पप्पू बख्श पर छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप है। पीड़िता ने सीएम कार्यालय और महिला आयोग से इसकी शिकायत की है। गांव के दो लोगों पर मारपीट का पहले भी हो चुका है केस दर्ज। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत के थाना गजरोला क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक पीड़ित ने आरोप लगाया है कि 27 जनवरी को ई रिक्शा से दवाई लेने जा रही थी, तभी गांव का रहने वाला पप्पू बख्श रिक्शा में बैठ गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। आरोप है विरोध करने पर युवक ने उसको कई थप्पड़ मारे हैं। अगले दिन युवक गाँव रहने वाले दो लोगों को लेकर घर में घुस गया और मारपीट की, जिस पर एसपी के आदेश पर सुखलाल व रघुवीर सिंह पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि जब से युवक दर्ज मुकदमे में फैसले का दबाव बना रहा है, फैसला न लेने पर बीते दिन पीड़ित से मारपीट की है। पीड़िता ने मंचले से परेशान होकर मुख्यमंत्री कार्यालय व राष्ट्रीय महिला आयोग से रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई है। दवाई लेने गए थे अपनी बहन की लड़की की गजरोला, तो जिस टुकटुक में हम बैठे उसी में गांव का लड़का मुस्लिम, उसके बाप का नाम है नसीब, लड़के का नाम है पप्पू। तो जो उसी में बैठ गए जो हरकत है हमारे साथ में करण लोगों, और जब हमने इस पर विरोध करो तो जो टुकटुक से उतरो उसने दो थप्पड़ हमारे मारे। हमने मतलब थाने गजरोला थाने में एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अगले दिन ये मतलब उसको सुखलाल प्रधान को और उसका भतीजा रघुवीर उसको लेकर हमारे घर पहुंच गया पप्पू। दबंगी उसके दबंगी दिखाने लगा, गाली फकरी दी, तो उसमें मतलब सुखलाल ने भी दबंगी दिखाई, पुलिस को भी गाली फकरी दी, उसका रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कराई, अब क्या चाहते हैं रिपोर्ट दर्ज हो गई? उसका मतलब जो मैन जल है जिसने हमारे संग हरकतें की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसने? पप्पू ने। पप्पू के खिलाफ कार्रवाई नहीं? पप्पू के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज आपने कहाँ शिकायत की? आज अपने योगी के पास की। और महिला योगी? हाँ।